बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड मैंने जो है वो डिस्कस की हैं। अभी इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक्सपीरियंस सेक्शन जो है वो लिखने की ट्राई करते हैं कि किस तरीके से एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो लिखा जाता है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना फ्री लांस एक्सपीरियंस जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया एडवर्टाइजर, सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो जॉब टाइटल जो है वो लिखना है, ठीक है। और उसके आगे आप लोगों ने क्या करना है, उसकी ड्यूरेशन जो है वो लिख देनी है। सो जस्ट एग्जांपल, May 17 to, और इसके नीचे आप लोगों ने क्या करना है जी, कंपनी नेम जो है वो लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्रीलांस वर्क, ठीक है। या अगर कोई स्पेसिफिकली कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी का भी आप लोग जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये इस फलानी एबीसी कंपनी के अंदर आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल फ्रीलांस इसको जो है मैं रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस सेक्शन के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो होता है इस जॉब के दौरान आप लोगों ने किया क्या। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली जो है वो आपकी क्या है या क्या थी, जो भी जॉब आप लोग जो है वो लिख रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन ये लाजमी आप लोगों ने ऐड करनी है, क्योंकि ये आजकल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी जॉब के दौरान कि आपने किसी भी जगह पे रहते हुए क्या क्या काम जो है वो किए हैं, ठीक है। तो ये मुख्य बुलेट्स हैं, बुलेट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं रिकमेंड हमेशा करूंगा बुलेट्स फॉर्म में लिखें, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन पैराग्राफ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है और लोग मोस्टली पैराग्राफ्स जो है वो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है जी, जस्ट एग्जाम्पल सोशल मीडिया एडवर्टाइजर और अच्छा यार इसको मैं लिख देता हूँ डन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और इंटरनेशनल कंपनीज वर्क ऑन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, उसके बाद क्रिएटेड स्ट्रेटजी फॉर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग मेकिंग द मंथली एंड ईयरली KPIs, ठीक है। इस तरह से अभी मैंने जो है वो चार पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे ऐड किए हैं, तो ये आप पे जो है वो डिपेंड करता है जितने भी आप लोग जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स ऐड जो है वो करना चाहते हैं। अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम, अच्छा इसको सबसे पहले तो आपने ये बोल्ड जो है वो इसका खत्म कर देना है, ये जो बोल्ड किया हुआ था, ठीक है। सिंपल इसको जो है वो लिखना है, पूरी सीवी बोल्ड में नहीं, सिर्फ हेडलाइंस वगैरह जो है वो आपने बोल्ड में जो है वो लिखनी है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो उनको ये पता नहीं होता कि जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है वो किस चीज में फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले अगर तो एक्चुअल आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो वहां से आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा डेली बेस पे आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज जो है वो वहां पे कर रहे हैं। अगर स्टिल कोई आइडिया नहीं होता तो फिर उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा जो है वो ट्रिक बता रहा हूँ किस तरह से हम लोगों ने जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखनी है। जी, आप लोगों ने बेसिकली जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए करना क्या है, लिंक्डइन के ऊपर जाएं। लिंक्डइन पे जाने के बाद आप लोगों ने जिस भी जॉब डिस्क्रिप्शन को जो है वो सर्च करना है कि लोग क्या बेसिकली उस जॉब के लिए कर रहे हैं, वो सर्च करें मीडिया एडवर्टाइजर। मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया एडवर्टाइजर लिखा है, यहाँ से आप लोगों ने पीपल के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। और लोकेशन
वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस कंट्री के लिए आप लोग अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट का कंट्री सर्च करना है ताकि उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपके पास जॉब डिस्क्रिप्शन और चीजें शो हो। तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया एडवर्टाइजर यहाँ पे डाला, यहाँ पे पीपल और फिर यूनाइटेड स्टेट्स लोकेशन में ऐड कर दिया, शो रिजल्ट्स पे आ गया। अभी मेरे पास ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो यहाँ पे अपीयर जो है वो होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। सो जस्ट एग्जांपल, मेरे पास जो है वो ये फर्स्ट ऑफ ऑल गैब्रियल वैगनर की जो है वो प्रोफाइल आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों का लिंक्डइन मेंबर वगैरह आ रहा है, तो ये मोस्टली लाइक जो लोग इनकी प्रोफाइल के साथ अटैच नहीं है या फर्स्ट सेकंड थर्ड कनेक्शंस के अंदर नहीं आते तो उनके साथ जो है वो ये इस तरह से आ रहा होगा। तो अभी मैं ये फर्स्ट प्रोफाइल के ऊपर आया हूँ, तो यहाँ पे देखें एक्सपीरियंस में सोशल मीडिया एडवर्टाइजर, और इनकी प्रोफाइल देखें, आई डिजाइंड अ वेब पेज फॉर दिस, क्रिएटेड अ फेसबुक पेज एंड गॉट द कंपनी ऑन द सर्च इंजन, इज नाउ मूविंग ऑन गूगल एज वी रिसीव मोर लाइक्स एंड बिजनेसेस। अब लाइक मेरे अकॉर्डिंग ये बंदा जो है वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजर नहीं है। जो बंदा 9 साल से सोशल मीडिया एडवर्टाइजर का काम कर रहा हो और वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में सिर्फ ये लिख दे कि मैंने ये वेबसाइट बनाई है, फेसबुक पेज बनाया है और सर्च इंजन के अंदर जो है वो उनको टॉप पे जो है वो ले आए, तो कोई किसी किस्म की जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने नहीं लिखी हुई, तो इस तरह से सीवीज जो है वो बेसिकली रिजेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये काम जो है वो हम लोगों ने नहीं करना। सेकंड पे आते हैं जी, ऑड्रे जो भी नेम है इनका। अच्छा जी, सोशल मीडिया फेसबुक एडवर्टाइजर, सोशल मीडिया एडवर्टाइजर, आई ऑफर फेसबुक एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू कंपनीज टू हेल्प देयर बिजनेस थ्राइव एंड अट्रैक्ट हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, ठीक है। इसको अब हम लोग जो है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, हमेशा कॉपी पेस्ट नहीं करना, बेंचमार्किंग जो है वो करनी है। अब इसी की बेंचमार्किंग जो है वो मैं करने लगा हूँ। इसको क्या लिखते हैं जी, ऑफर्ड एफ बी आई जी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू MNCs कर दें या टू डिफरेंट क्लाइंट्स टू हेल्प देयर, या हेल्प की जगह कर दें टू देयर उसके बाद अट्रैक्टेड हाईली प्रॉफिटेबल कस्टमर्स फॉर देम, ठीक है। तो ये अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास एक पॉइंट आया था, जो अंडरस्टैंडिंग आई थी उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पॉइंट जो है वो बना लिया। इस तरह एज अ डिजिटल मीडिया मार्केटर इन्होंने जो जो काम किया हुआ है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इनको आगे फर्दर जो है वो चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोफाइल्स वगैरह, और वहां पे जाके जो है वो चेक कर लें कि लोग जो है वो बेसिकली कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उस जॉब के अगेंस्ट, या जो भी एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो आप लोग लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको एक्सपीरियंस सेक्शन को मैं कंप्लीट करता हूँ। अगर कोई अचीवमेंट है आपकी उस जॉब के दौरान, कोई अवार्ड मिला हुआ है, वो लाजमी जो है वो वहां पे जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी जो है वो, अगर आपको जो है वो कोई बैजेस वगैरह मिले हुए हैं, कोई क्लाइंट की तरफ से अप्रिसिएशन सर्टिफिकेशन या कुछ भी जो है वो मिला हो, तो वो यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है जी, अगेन इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और सेकंड एक्सपीरियंस जो है वो, जस्ट एग्जांपल अभी क्या करता हूँ जी, सोशल मीडिया मैनेजर ये ऐड कर दिया, और यहाँ पे डेट कोई भी जो है वो 2015 से, अगर वो जॉब आपकी जो है बंद हो चुकी है, ठीक है, जून 18 तक थी, और यहाँ पे कोई भी कंपनी नेम जो है वो लिखते हैं। तो भी मैं क्या करता हूँ, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शंस अगेन आपने क्या करना है, सोशल मीडिया मैनेजर की जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह चेक करें, वो डाल दें। अचीवमेंट क्या है जी, जस्ट एग्जांपल
मंथ या इंप्लॉय ऑफ द ईयर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स और ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।